फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम हमारे रावण को बना रहे थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आगे रावण को बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसको हमारे गॉडजिला रावण के फ्रेम पर स्टेपल करके जोड़ेंगे। पूंछ की स्टिक्स को फ्रेम की स्टिक्स से मैच कराते हुए स्टेपल करके जोड़ देंगे। अब हम गेहूं के आटे से ग्लू बना लेंगे। इसे बनाने की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम हमारे इस फ्रेम पर न्यूज़पेपर पेस्ट करके इसे कवर करेंगे। अब हम 46 इंचेस के एक पेपर स्टिक बनाएंगे और इसे हाथों से फोल्ड करके इसका एक रिंग बना लेंगे। इस रिंग को हम फ्रेम के ऊपर इस तरह से रखेंगे और 6 इंच पर मार्क करके स्टेपल करके जोड़ देंगे। हम फ्रेम में और इस रिंग में और पेपर स्टिक्स को स्टेपल करके जोड़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम इस फ्रेम में एक पेपर स्टिक को इस तरह से और जोड़ेंगे। अब हम एक 35 इंचेस का पेपर स्टिक बनाएंगे और इसे हाथों से फोल्ड करके इसका एक रिंग बना लेंगे। इसे भी हम लगभग 6 या 7 इंच की ऊंचाई पर स्टेपल करके हमारे फ्रेम में जोड़ेंगे। पीछे की तरफ हम बड़ा साइड रखेंगे और सामने की तरफ छोटा। पीठ वाले हिस्से को हम इस तरह से गोलाई देते हुए स्टेपल करके पेपर स्टिक लगाएंगे।
अब हम इसके जो बड़े गैप हैं वहाँ भी पेपर स्टिक्स लगाकर उसे फिल कर लेंगे। ये हमारे गॉडज़िला रावण का फ्रेम कंप्लीट हो गया है। ये सामने की तरफ से थोड़ा दबा हुआ लगता है, इसे हम पेपर स्टिक को कट करके छोटे टुकड़े स्टेपल करके जोड़कर रिपेयर कर लेंगे। अब हम इस पर न्यूज़पेपर पेस्ट करके इसे कवर कर लेंगे। अब हम एक 21 इंच का पेपर स्टिक का टुकड़ा लेंगे और इसे फोल्ड करके इसका एक रिंग बना लेंगे। इसे भी 6 इंच की ऊंचाई पर फ्रेम की स्टिक्स में स्टेपल करके जोड़ेंगे। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ की पेपर स्टिक्स को हम फोल्ड करके गोलाई की शेप में बंद कर देंगे। इस तरह ये गॉडज़िला रावण का फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस पर भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके इसे कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ा ऊपर का हिस्सा खुला रखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर हमको हाथों को जोड़ना है। अब हम हमारे गॉडज़िला रावण के हाथों को बनाने के लिए एक पेपर स्टिक 9 इंच का टुकड़ा काटेंगे। एक पीस हम 10 इंच का काटेंगे, एक पीस हम 12 इंच का काटेंगे और एक पीस हम 14 इंच का काटेंगे। अब इन्हें हाथों से फोल्ड करके इनके रिंग बना लेंगे। अब हम 4 पेपर स्टिक को सबसे छोटे वाले रिंग में इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर स्टेपल करके जोड़ेंगे। इसमें 7 इंच के डिस्टेंस पर हम एक और पेपर इंक को इस तरह स्टेपल करके जोड़ेंगे। आमने सामने की 2 पेपर स्टिक को हम कट कर देंगे और बची हुई दोनों पेपर स्टिक को सेम साइड में फोल्ड कर लेंगे। अब हम इससे बड़े वाले रिंग को इस फ्रेम में बिल्कुल पहले वाले रिंग के पास में स्टेपल करके जोड़ेंगे। इसके सामने वाली स्टिक को इस तरह से हाथों से फोल्ड करते हुए एल शेप में रावण का हाथ बनाएंगे।
इसमें 3 इंच की दूरी पर हम सबसे बड़े वाले रिंग को भी स्टेपल करके इस तरह से जोड़ देंगे। इन हाथों के बड़े गैप को हम पेपर स्टिक जोड़कर फिल कर लेंगे। एक्स्ट्रा पेपर स्टिक को कट कर देंगे। अब इन हाथ की पेपर स्टिक को हम बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इन हाथों को रावण की बॉडी पर रखकर सही जगह देखकर स्टेपल करके जोड़ लेंगे। अगर हाथ गलत जगह लग जाते हैं तो हम उन्हें निकाल कर दोबारा से स्टेपल करके सही जगह पर जोड़ सकते हैं। अब हम इन हाथों को भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारे रावण का फ्रेम पूरी तरह से कवर हो गया है। अब हम हमारे गॉडज़िला रावण का सिर बनाएंगे। सिर बनाने के लिए हम 21 इंचेस की 2 पेपर स्टिक काटेंगे और 28 इंचेस की 3 पेपर स्टिक काटेंगे। इनको फोल्ड करके इस तरह हम इनके रिंग बना लेंगे। अब हम एक पेपर स्टिक में इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से 4 पेपर स्टिक को स्टेपल करके जोड़ेंगे। अब हम इसमें 3 इंचेस के डिस्टेंस पर छोटे वाले रिंग को स्टेपल करके जोड़ देंगे। अब हम इसमें 3 इंच के डिस्टेंस पर एक बड़ा वाला रिंग स्टेपल करके जोड़ेंगे। बाकी के दोनों बड़े वाले रिंग भी हम 3-3 इंच के डिस्टेंस पर स्टेपल करके जोड़ लेंगे। जहाँ कहीं ये थोड़ा ऊंचा या नीचा बनता है उसे हम कट करके या छोटे पेपर स्टिक के टुकड़े जोड़कर रिपेयर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आगे का रावण हम इस वीडियो के पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।